અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે સહાયથી કોરોના વાયરસ માટે જે લડત આપી રહ્યા છે, શું સૂચન આપશો અને કેવી રીતે છો? સબસે પહેલે તો મેં ઇમરાન ખેડાવાલા આપ સબસે ગુજારિશ કરતા હું ઓર રિક્વેસ્ટ કરતા હું કે પૂરી દુનિયા કે અંદર જિસ તરહસે કોરોના વાયરસ ફેલા હુઆ હૈ ઓર લોગ હજારો કી સંખ્યા મેં इसका शिकार बन रहे हैं। भारत के अंदर भी कोरोना वायरस के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए एक ही तरकीब है कि आप भीड़ वाले इलाके में न जाएं और खास करके जो जगह पे तुमको जो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप घर में बैठे रहें। ये बीमारी तुमको दिखती नहीं है लेकिन ये सांसों श्वास की क्रिया से आगे बढ़ती है। इसके कोई लक्षण 15 दिन तक तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि बीमारी का स्टेज क्या है। जब 15 दिन के बाद जो मरीज इसके अंदर कोरोना वायरस के अंदर जो फूल दाखिल हो जाता है तब उसके अंदर उसकी फेफड़े उसकी सांस लेने में तकलीफ पड़ती है और उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। जमालपुर के अंदर भी ऐसे कई 10 से 12 मकान है जो कोरोना सेंटर होम सेंटर में तब्दील हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? खास करके जमालपुर विस्तार के अंदर जिस तरह से कोरोना के जो केस बने हैं वो लोग उमरा करके आए थे और कोई लोग अमेरिका से आए थे। मुझे जानकारी है वहां तक जहाँ जहाँ कोरोना के केस हुए हैं वहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, उनको सारवार मिल रही है, लेकिन उनके साथ जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको खास एहतियात रखने की ज़रूरत है। वो घर के अंदर जहाँ कोरोना के केस हुआ है उसके आजू बाजू के मकानों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हिफाजत के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम बगैर घर के बाहर ना निकले और खास करके ये कोरोना वायरस जहाँ भीड़ वाली जगह होती है वहाँ आप न जाएं तो ही बेहतर रहेगा। कहीं तक देखा गया कि जमालपुर विस्तार के अंदर जो प्रजा जो यहाँ की रहने वाली एक समुदाय है वो अभी तक इस सूचन पे अमल नहीं कर रहे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये बीमारी के लिए जब मक्का और मदीना के अंदर जिस तरह से लोगों ने वहाँ एहतियात बरत के लोगों ने वहाँ जाकर नमाज अदा करते थे, वो नमाज या उमरा जिस तरह से होते थे वो भी अभी उन्होंने पाबंदी कर दी है। तो मैं जमालपुर के और अहमदाबाद के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात के अंदर जब नमाज की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़ें और जो अजान होती है तो मौलाना और इमाम साहब और जो इनके बांगी नमाज मस्जिद में पढ़ लेंगे, अदा कर देंगे, लेकिन आप अपने नमाज अपने घर में अदा करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये इसलिए है, ये कोई कायम के लिए नहीं है। जहाँ तक ये बीमारी है उसको रोकने के लिए कम से कम जहाँ भीड़ हो जाती है वो जगह पे हम नहीं जाएंगे तो हम इस बीमारी से बचेंगे, ऐसा हम लोग ये कहना चाहते हैं और सरकार की तरफ से भी बार बार किया जाता है। मैं यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो टीम डॉक्टरों की काम कर रही है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन हम उनको साथ और सहकार देते नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि कॉर्पोरेशन और जो प्रशासन है उनको आप सपोर्ट करें। हमारे विस्तार की जो पुलिस अधिकारी है वो आपको बार बार कहते हैं कि भाई आप जमा ना हो, फिर भी हम लोग जमा होते हैं, चाय की किटलिया के ऊपर जमा होते हैं, पान के गल्ले खोल लेते हैं, कोई जगह पे लारियां लगाकर हम जिस तरह से खाने पीने की व्यवस्था खड़ी कर देते हैं, इससे ये बीमारी बढ़ने वाली है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं बहुत दर्दमाना अपील करता हूँ लोगों से कि भाई आप अपने घर में रहें, ये हिफाजत आपकी हिफाजत आपको खुद को करना है। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी बीमारी है कि आप उसको रोकना चाहेंगे फिर भी नहीं रुक सकेगी अगर जो ये बढ़ जाएगी तो। मैं आप सबसे फिर एक मरतबा दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप अपने घर में बैठे रहें।